परिमेय संख्या वह संख्या है जो p बटे क्यू की फॉर्म में लिखी जाती है। p बटे क्यू को आप समझते हैं, आपने पहले भी इसके बारे में जाना है, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है, और क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता। अर्थात परिमेय संख्या वह संख्या है जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है और हर कभी भी शून्य नहीं होगा। जो नीचे वाली संख्या है उसको हम हर बोलते हैं, वो कभी भी शून्य नहीं होगा। और p और q पूर्णांक होंगे। पूर्णांक का मतलब आप समझते हैं, ये जो पूरे पूरे अंकों में लिखे जाते हैं, जिसके अंदर सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं और शून्य आती। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, यदि p और q अंश और हर दोनों क्या है, पूर्णांक है, लेकिन जो हर है वो कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं इसमें, जैसे 2/3, 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, और जो नीचे वाली संख्या है हर, वो शून्य नहीं है। और हम देख लेते हैं 4/8, 4 मतलब ऋणात्मक, 4 है ये ऋणात्मक है, और बटे क्या आ गया इसके, बटे का मतलब उसके नीचे वाली संख्या जिसको हम हर बोलते हैं, वो क्या आ गया हमारे पास, 8, जो कि शून्य के बराबर नहीं है। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। और एक परिमेय संख्या का उदाहरण मैं लेता हूं, 5। क्या 5 परिमेय संख्या है? आप देख सकते हैं, मैंने जैसे कि परिभाषा के अंदर ही आपको बताया है कि इसको अंश बटे हर के रूप में हम लिख सकते हैं किसी भी परिमेय संख्या को, लेकिन यहां पे देखने में हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ही संख्या दिखाई दे रही है, उसको चाहे हम अंश मान लेते हैं। लेकिन एक चीज का और इसके अंदर ध्यान रखना है कि यदि कोई संख्या अकेली है, ये पूर्णांक है, उसके नीचे हमेशा एक अंक होता है, और वो क्या होता है, एक। हर उसका क्या होता है, एक होता है, क्योंकि नीचे वाली संख्या हमेशा ऊपर वाली संख्या को भाग दे के लिखी जाती है, ये भाग के रूप में लिखी जाती है। यदि हम किसी भी संख्या को एक से भाग करेंगे तो वही संख्या उसका परिणाम आता है। तो इसलिए किसी भी एक सिंगल पूर्णांक को हम परिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि उसका हर हमेशा क्या होगा, एक होगा। ऐसे ही हम और उदाहरण ले, यदि मैं -7 लूं तो -7 का हर क्या है, एक है। यदि मैं 1 ले लूं तो 1 का हर क्या है, एक है। यदि मैं -1 लूं तो -1 का हर क्या है, एक है। यदि मैं 0 लूं तो क्या 0 एक परिमेय संख्या है? मैंने अभी एक बात बोली थी कि जब हम कोई भी पूर्णांक लेते हैं, पूर्णांक का हर हमेशा क्या होता है, एक होता है। तो यह देखने योग्य है कि क्या 0 एक पूर्णांक है? जी हां, मैंने अभी कहा था कि सभी ऋणात्मक और धनात्मक प्राकृत संख्याएं और क्या आता है इसके अंदर, 0 शामिल होता है। तो इसलिए 0 का हर भी क्या होगा, एक होगा। है ये भी पी बटे क्यू की फॉर्म में, अंश बटे हर के रूप में लिखा है, अंश क्या है, 0, हर क्या है, एक। यहां पे कंडीशन ये थी कि हर कभी 0 नहीं होगा, अंश 0 हो सकता है, तो हर तो हमारे पास यहां पे क्या है, एक है। तो ये जो सारी की सारी संख्याएं हैं जो यहां पे लिखी गई, आप और कुछ भी ले सकते हैं, -8 ले लें, या फिर 5 ले लें, या फिर 9 ले लें, या फिर 100 ले लें, या फिर -10 ले लें, ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब परिमेय संख्याओं में हम बात करेंगे शून्य की भूमिका और एक की भूमिका की, कि परिमेय संख्याओं के साथ शून्य की क्या भूमिका रहती है और एक की क्या भूमिका रहती है। शून्य हमारे पास सबसे पहले इंट्रोड्यूस पूर्ण संख्याओं में होता है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होती हैं, उसके बाद फिर जब जीरो उसके अंदर, शून्य उसके अंदर आ जाता है, तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। हम शून्य के लिए कुछ करके देखते हैं, क्या करके देखते, जोड़ सभी को आता है शायद,
यदि मैं एक में शून्य जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, एक आएगा। यदि मैं माइनस के तीन में शून्य जोड़ूंगा, सॉरी, यदि मैं नेगेटिव तीन में शून्य जोड़ूंगा तो नेगेटिव तीन ही आएगा, ऋणात्मक तीन ही आएगा। यदि मैं शून्य में शून्य जोड़ूंगा तो भी शून्य ही आएगा। परिमेय संख्याओं को, ये सारी परिमेय संख्याएं ही हैं, मैंने बताया था कि जो पूर्णांक है वो भी परिमेय संख्या होते हैं, लेकिन यदि एक संख्या हम स्पष्ट रूप से ले ही लेते हैं कि यदि 2/5 में शून्य जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, 2/5 ही आएगा। मतलब शून्य की एक विशेष भूमिका क्या रहती है कि उसे किसी भी परिमेय संख्या में, किसी भी परिमेय संख्या में, किसी भी प्राकृत संख्या में, किसी भी पूर्ण संख्या में, किसी भी पूर्णांक में जोड़ा जाएगा तो उत्तर हमेशा, हल हमेशा, परिणाम हमेशा वही संख्या आएगी जिसके अंदर शून्य जोड़ा जाता है। माइनस का 4/3 में भी यदि शून्य जोड़ेंगे तो उस परिणाम क्या आएगा, माइनस का 4/3। इसलिए शून्य को योज्य तत्समक बोला जाता है, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक अर्थात योज्य का मतलब योग, जोड़ करना, कि उसको हम किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो तत्समक बिल्कुल वो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसके स्वरूप उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। यह थी शून्य की भूमिका परिमेय संख्याओं के लिए। यदि एक की भूमिका की बात करते हैं कि एक की क्या भूमिका रहेगी, तो हम एक के साथ भी कुछ संक्रियाएं करके देखते हैं। जैसे 5 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। माइनस के 3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी, नेगेटिव 3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव 3 आएगा। नेगेटिव 5/7 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव 5/7 ही आएगा। जिस प्रकार शून्य की भूमिका हमारे पास परिमेय संख्याओं के साथ या किन्हीं भी संख्याओं के साथ योज्य तत्समक की रहती है कि जब जोड़ करेंगे तो संख्या के परिणाम में कोई अंतर नहीं आएगा, उसी प्रकार एक की भूमिका गुणा में है कि किसी भी परिमेय संख्या को यदि हम एक से गुणा करेंगे तो उस संख्या के मान में कोई अंतर नहीं आएगा, वो बिल्कुल वैसी की वैसी वहां पे आ जाएगी। इसलिए एक को हम क्या कहेंगे, गुणात्मक तत्समक। जब जोड़ किया, 0 किसी के अंदर जोड़ा, 0 किसी के अंदर जोड़ा, तो वही संख्या है आंसर आया है तो योज्य तत्समक। जब एक से गुणा करेंगे और वही संख्या आंसर आएगा तो एक हमारे पास किसकी भूमिका में है, गुणात्मक तत्समक की भूमिका में है। कि भाई बात क्लियर होगी, 0 है जो वो क्या है, योज्य तत्समक है, और 1 है वो क्या है, वो गुणात्मक तत्समक है। आगे हम पढ़ेंगे एक संख्या का ऋणात्मक मतलब नेगेटिव और व्युत्क्रम। पहले एक संख्या के ऋणात्मक को ही हम देख लेते हैं कि यदि मेरे पास एक संख्या है 8, नेचुरल सी बात है कि जिसके आगे कोई साइन नहीं है वो किसका है, जमा का है, जोड़ का है, और इसका ऋणात्मक यदि हम लें, इसका ऋणात्मक क्या आएगा, घटा का 8, नेगेटिव 8। अब 8 जोड़ का और 8 घटा का हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। एक संख्या में से यदि उसी संख्या को घटाएंगे तो उत्तर हमारे पास वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। आगे देख लेते हैं, यदि मेरे पास 7 है और नेगेटिव 7 में लेता हूं तो 7 में से 7 गई, फिर 0।
यदि मेरे पास 2/3 है और -2/3 और मैं साथ में लेता हूं, तो एक संख्या में से यदि वही संख्या को हम घटाएंगे, उसी संख्या को घटाएंगे, तो परिणाम हमारे पास हमेशा क्या आएगा, शून्य आएगा। -8 है, -8 है, -8 है, -8 का ऋणात्मक क्या होगा, -8 का ऋणात्मक, ऋणात्मक 8 का ऋणात्मक, ऋणात्मक और ऋणात्मक यदि दोनों साइन इकट्ठे हैं, तो पहले बताया जा चुका है कि दोनों साइन यदि गुणा में आते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं, जोड़ का बन जाते हैं। तो इसका ऋणात्मक क्या हो गया, जोड़ का 8। अब यहां पता है कि यदि एक संख्या जोड़ की है और वही संख्या नेगेटिव है, घटा की है, ऋणात्मक है, तो हमेशा उत्तर क्या आएगा, शून्य आएगा। अब यदि मैं -5/6 का ऋणात्मक लूंगा तो क्यों क्या आएगा, जोड़ का 5/6 आएगा, और इन दोनों का जोड़ या इन दोनों की घटा, उसको हम कुछ भी लगा ले, वो क्या आएगा, शून्य ही आएगा। यदि एक संख्या वही संख्या ऋणात्मक है, वही जोड़ की है, तो दोनों की जोड़ हमेशा क्या होगी, शून्य। एक संख्या का ऋणात्मक क्या हो गया, क्योंकि ऋणात्मक में ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, और इसको हम योज्य प्रतिलोम भी बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब उल्टा, जोड़ का उल्टा। जोड़ का उल्टा क्या होगा, हमारे पास संख्या रेखा होती है, इस साइड यदि हम देखते हैं संख्या रेखा में, यदि मैं ऐसे खड़ा हूं, हमारी दाएं साइड हमेशा जोड़ की संख्याएं होती है, हमारी बाएं साइड हमेशा ऋणात्मक संख्याएं होती है, तो इस डायरेक्शन का उल्टा, इधर जो जोड़ है, जोड़ का उल्टा क्या हो गया, बिल्कुल योज्य प्रतिलोम हमारे पास क्या हो गया, माइनस, नेगेटिव, और नेगेटिव का उल्टा क्या हो गया, प्लस, पॉजिटिव। मतलब ऋणात्मक का उल्टा धनात्मक, धनात्मक का उल्टा ऋणात्मक, यही योज्य प्रतिलोम है। यदि हमारे पास कोई संख्या जोड़ में है, उसको माइनस कर दो, वो उसका ऋणात्मक हो गई, ऋणात्मक हो गई, योज्य प्रतिलोम हो गया, और यदि हमारे पास संख्या नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव बना दो, वो हमारे पास क्या हो गया, योज्य प्रतिलोम हो गया। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि 5 का योज्य प्रतिलोम बताओ, बेझिझक आप बता देंगे कि यदि ये जोड़ का है, यदि ये प्लस का है, तो क्या आ गया, -5, -5, ऋणात्मक 5। यदि मैं पूछूं -7/9 का योज्य प्रतिलोम बताओ, किसमें है ये, नेगेटिव में है, पॉजिटिव बना दो, क्या हो गया, 7/9। ठीक है, अभी हम व्युत्क्रम की बात करते हैं। जिस प्रकार एक संख्या का ऋणात्मक होता है, व्युत्क्रम का मतलब भी उल्टा ही है, लेकिन किस संदर्भ में उल्टा है हमें वो देखना है। 5/3 इसको पलट दो, पलटने का मतलब है जो अंश है वो हर की जगह आ जाएगा, जो हर है वो अंश की जगह आएगा। हमारे पास 5/3 क्या हो जाएगा, 3/5। और ये देखने के लिए कि यह इसका व्युत्क्रम है या नहीं है, इन दोनों की गुणा करके हमें देखनी है, ये कट जाएंगे 3 × 3, 3 × 3 से 5 × 5, 5 × 5 ऊपर क्या गया, 1 × 1, 1/1, 1 को 1 से भाग दें, क्या आएगा, 1 आ गया। किसी समझाने का मतलब यह है कि किसी भी संख्या का व्युत्क्रम को यदि उसी संख्या से गुणा करेंगे तो परिणाम हमेशा 1 ही आएगा। और देख लें, माइनस का 6/7 गुणा करेंगे इसको उल्टो, 7/-6 करके देख लेते हैं, 6 × 6, 6 × 6, 7 × 7, 7 × 7 आपस में कट गए, 1/1। और ये ध्यान रखें कि गुणा में हमारे पास कितने माइनस हैं, 1 - 7 आपको दिखाई दे रहा है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। यदि हम माइनस माइनस की
गुणा करते हैं या नेगेटिव नेगेटिव की गुणा करते हैं, ये नेगेटिव है दोनों, नेगेटिव नेगेटिव की जो गुणा करते हैं तो हमारे पास किस में आ जाएगा, वो प्लस में आ जाएगा, पूरी प्लस में हो जाएगा, तो एक से बाद में फिर वो एक आएगा। यदि मैं इसको इस प्रकार लेता कि हमारे पास माइनस छह बटे सात था और पलट के मैं इसको सात बटे छह बना देता, मैं इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा हूं माइनस की तरफ, तो देखें छह कम छह, छह कम छह, सात एकम सात, सात एकम सात, ऊपर एक बटे एक, लेकिन माइनस कितने हैं पूरे इसमें, एक माइनस है तो ये माइनस में आता, और माइनस के एक को एक से डिवाइड करेंगे तो हमेशा माइनस एक आएगा, जो कि हमारा सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि व्युत्क्रम के अंदर जो संख्या हमारे पास आएगी और जो मूल संख्या है उन दोनों को गुणा करने पर हमारा परिणाम वो है एक आना चाहिए, तो वही हमारे पास व्युत्क्रम कहलाएगा, और इसको हम गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम जैसे कि गुणा से ही, गुणा के संदर्भ में ही है कि एक संख्या है, जब उसका व्युत्क्रम लेंगे और उन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास उत्तर हमेशा क्या आएगा, एक ही आएगा, संख्या एक आएगा। और भी आप इसमें करके देख सकते हैं, मान यदि मैं चार बटे पांच का गुणात्मक प्रतिलोम पूछूं तो आप सीधा है बोल देंगे कितना, पांच बटे चार। यदि मैं माइनस तीन बटे सात का गुणात्मक प्रतिलोम पूछूं तो आप क्या लिखेंगे, सात बटे माइनस तीन। और इसमें एक चीज ध्यान में देने योग्य है कि ये संख्या और माइनस सात बटे तीन ये संख्या, ये तीनों क्या है, बराबर है, क्योंकि यदि नेगेटिव अंश में हो या हर में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां अंश में था वो हर में चला गया कोई दिक्कत नहीं, उसको हमने अंश में भी रख दिया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह पूरी एक संख्या का चिन्ह है, नेगेटिव जो चिन्ह है, और ये अकेला सात इसके अंदर कोई अलग संख्या नहीं है, अकेला तीन अलग संख्या नहीं है। हां पहले कहा गया था कि ये पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांकों को मिलाने से अब इस स्थिति में रखने से, अंश बटे हर में रखने से क्या बन गया है, परिमेय संख्या बन गया है, तो ये पूरी एक संख्या लगेगी, सात बटे माइनस तीन या माइनस सात बटे तीन या सात बटे तीन के बीच में माइनस ले लें, ये भी एक ही है, मतलब पूरी की पूरी संख्याओं में एक नेगेटिव होना चाहिए, तो इसमें हमारे पास ये क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या अंतर लगा, ये चीज समझने लायक है क्योंकि यहीं पे उलझन हमें रहती है कि जब हम इसकी बात कर रहे थे योज्य प्रतिलोम की, तो हमने यहां पे क्या किया है, सिर्फ निशान बदला है, देखो चिन्ह बदला है, माइनस को प्लस में बना दिया, प्लस को माइनस में बना दिया, और जब हम इसकी बात कर रहे हैं यहां पर चिन्ह नहीं बदल रहा है, चिन्ह वही रहेगा, यदि वो संख्या नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी, धनात्मक है तो धनात्मक रहेगी, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक रहेगी, लेकिन संख्या बदल जाएगी। अब इसका एक आध उदाहरण मैं लेना चाहूंगा गुणात्मक प्रतिलोम का, पांच, पांच का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, क्योंकि पांच का ऋणात्मक जी योज्य प्रतिलोम तो मैंने बता दिया कि माइनस पांच होगा, उसमें तो हमें निशान बदलना था लेकिन इसमें संख्या बदलनी थी। अब इसको यदि हम देखेंगे पांच के हर में क्या होता है, एक, तो अकेले पांच को हम इस प्रकार लिखेंगे पांच बटे एक, और इसको बदल दें क्या हो जाएगा, एक बटे पांच, चिन्ह नहीं बदला है, निशान नहीं बदला है, सिर्फ संख्या पलटी है, अंश की जगह हर आ गया, हर की जगह अंश। यदि मैं माइनस सात लूंगा तो क्या बढ़ जाएगा ये, क्योंकि इसके बटे में भी एक है, एक बटे माइनस सात आ जाएगा, समझ गया बच्चों। अभी हमने योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम की बात की है, अब हम एक पर्टिकुलर संख्या को देख लेते हैं, क्या है, शून्य। शून्य का योज्य प्रतिलोम ये पॉजिटिव है, नेगेटिव शून्य, इसको शून्य में लिख दो, शून्य ही एक ऐसी संख्या है जो धनात्मक और ऋणात्मक रूप में यदि लिखी जाएगी तो वो दोनों क्या रहेंगी, समान रहेंगी, उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए
शून्य का योज्य प्रतिलोम शून्य है या नेगेटिव शून्य है। नेगेटिव शून्य और योज्य शून्य दोनों बराबर हैं, इसलिए शून्य का, इसलिए शून्य का जो योज्य प्रतिलोम है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, शून्य ही होगा। मतलब यही एक ऐसी संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वही संख्या है और कोई नहीं है। अब शून्य के ऊपर चलो इसमें ही देख लें, योज्य प्रतिलोम में एक, एक का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस एक, अलग अलग संख्याएं हो गई है। तो एक हमारे पास वो संख्या नहीं है जिसका योज्य प्रतिलोम एक ही हो या वही संख्या हो, शून्य ही एक एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम शून्य ही है। अब हम गुणात्मक प्रतिलोम की बात करते हैं। हमारे पास शून्य है, उसके जो हर है वो हमेशा क्या रहेगा, एक रहेगा, पूर्णांकों का हर हमेशा एक होता है। जब हम इसको पलट के देखेंगे तो हमारे पास संख्या क्या बन जाएगी, एक बटे शून्य। अब मैं प्रमेय संख्या की परिभाषा पे आता हूं। प्रमेय संख्या में बोला गया था कि जो p बटे q के फॉर्म में लिखी जाती है अंश बटे हर के रूप में, और हर कभी भी शून्य नहीं होता, तो ये तो हर शून्य आ गया, तो इसलिए इसमें गड़बड़ है, ये प्रमेय संख्या हमारे पास हो ही नहीं सकती, क्योंकि शून्य को यदि हम एक से भाग देंगे तो वो तो अपरिभाषित आएगा, उसको तो हम भाग ही नहीं दे सकते, इतनी बड़ी संख्या वो हमारे पास हो जाएगी, या नॉट डिफाइंड भी कई बार ये आता है। तो जीरो या शून्य एक ऐसी संख्या है जिसका कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यदि मैं एक को लेता हूं, एक बटे एक है, इसका उल्टा एक बटे एक हो गया, इनको आपस में गुणा करेंगे तो भी हमारे पास एक बटे एक ही आएगा, और आंसर क्या होगा, एक। मतलब एक का गुणात्मक प्रतिलोम भी क्या आ गया, एक आया। उसके बाद माइनस एक को देखता हूं मैं, माइनस एक बटे एक है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम एक बटे माइनस एक हो जाएगा, जब इसको काटेंगे एक बटे एक, एक आ गया, लेकिन दो माइनस है ये दिखाई दे रहे हैं, एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और प्लस माइनस नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और एक को एक से भाग देंगे फिर एक आएगा। आ रहा है। अब इसका मान भी एक है, इसका मान भी एक है, मतलब एक का गुणात्मक प्रतिलोम एक है। यदि माइनस एक को एक से डिवाइड करूंगा माइनस एक आएगा, एक को माइनस एक से डिवाइड करूंगा फिर भी माइनस एक आएगा, मतलब इसका गुणात्मक प्रतिलोम भी क्या है, वो माइनस एक ही है। माइनस एक का गुणात्मक प्रतिलोम माइनस एक है, आंसर है जो हमारे पास इनकी गुणा करने के बाद परिणाम है वो एक आया है, और जिस भी जिन भी दो संख्याओं को गुणा करने पर परिणाम एक आएगा वो उसका हमेशा गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो यहां पर हमारे पास दो संख्या ये निकल के आ गई कि जिनका गुणात्मक प्रतिलोम वही संख्या होता है। यदि मैं दो को लूं, दो बटे एक है, ये एक बटे दो हो जाएगा, ये दोनों बराबर नहीं है, हालांकि गुणात्मक प्रतिलोम है लेकिन बराबर नहीं है, तो दो का गुणात्मक प्रतिलोम एक बटे दो हो गया। लेकिन मैं वो संख्या देख रहा था जिनका गुणात्मक प्रतिलोम भी वही संख्या आता हो, और वो क्या है, एक और नेगेटिव एक है, एक और ऋणात्मक एक है, और एक जीरो जो शून्य ही निकल के आया है, इस संख्या जो शून्य है उसकी, जो शून्य हमारे पास निकल के आया है उसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता, कोई भी संख्या नहीं होती। तो ये आपके पास अभी योज्य प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम से संबंधित था। आपकी प्रश्नावली 1.1 को यदि आप देखेंगे, 1.1 में हमारे पास 1.1 का दूसरा प्रश्न आप कर सकते हैं, इसमें योज्य प्रतिलोम आपको बताने हैं, योज्य प्रतिलोम आपको बताने हैं। यदि मैं लेता हूं -5/9 योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम में सीधा हमें क्या करना है, यदि मैं लेता हूं -5/9 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम में हमें क्या करना है, सिर्फ चिन्ह बदलना है, क्या बन जाएगा, 5/9 आ जाएगा, 5/9 आएगा। अब एक क्वेश्चन इसके अंदर हमारे पास ऐसा आ गया, -3/-4। यशवीर जी ने बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, पहले उसको मूल संख्या में ले जाने के लिए, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कि पहले तो संख्या को हम मूल रूप में लिखते हैं, कि यदि एक ही संख्याओं में, एक ही संख्या में दो नेगेटिव आ जाते हैं, यदि दो नेगेटिव आ जाते हैं तो उनका परिणाम क्या होगा,
पॉजिटिव होगा। यदि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो यहां हाथ रख के देखें तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव ही था। अब यदि दो नेगेटिव है तो वो पहले तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अब इसका जब हम योज्य प्रतिलोम देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव 3/4 आएगा। दोबारा ये समझने वाली बात है, यदि एक ही संख्या में दो नेगेटिव है तो पहले उस संख्या को मूल रूप में लेके आए, और मूल रूप में तभी होगा कि जब वो माइनस की गुणा हो जाएगी, और ये माइनस की गुणा यहां से हमारे पास क्या अभी प्लस हो गया, और उसका योज्य प्रतिलोम क्या आ गया, -3/4। दूसरा प्रश्न आप इसमें से कर सकते हैं, और चौथा प्रश्न आप कर सकते हैं। चौथे प्रश्न में हमें क्या देखना है, गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, -13/15। बताओ गुणात्मक प्रतिलोम क्या है इसका, गुणात्मक प्रतिलोम में हमें क्या करना है, संख्याएं बदलनी है, ये क्या हो जाएगा 15/-13, और इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, -15/13 भी लिख सकता हूं, और क्या लिख सकता हूं इसको मैं, -15/13 भी लिख सकता हूं। ये दिखाने के लिए कि सॉरी -15/13, और -15/13, इसको तीनों फॉर्म में लिखा जा सकता है कि एक परिमेय संख्या में एक नेगेटिव है तो नेगेटिव में ही रहेगी। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम बिना देखे अभी मैंने बताया है कि दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका गुणात्मक प्रतिलोम कभी नहीं बदलता, वो कौन कौन सी हैं, एक तो -1 है और एक +1 है, दोनों का है, तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। इसमें आप दूसरा और चौथा आसानी से हो जाएगा आपका। छठे क्वेश्चन में 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करें। व्युत्क्रम से गुणा करना है तो पहले वाली संख्या ऐसे कैसी रखनी है, 6/13, दूसरे वाली संख्या का व्युत्क्रम ले लेना, उल्टा ले लेना है, फिर इन दोनों को गुणा करना है आपस में, आप करके देखना। आठवां क्वेश्चन है, क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। गुणात्मक प्रतिलोम में मैंने कहा था कि संख्याएं बदली जाती हैं, निशान नहीं बदला जाता, चिन्ह नहीं बदला जाता, या तो सीधे देखने से लग रहा है एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो ही नहीं सकता। कारण देंगे इसमें कि एक संख्या ऋणात्मक है दूसरी धनात्मक है, इसलिए यह ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। अगला 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, इसको हम करके देख लेते हैं। इसकी पहले सही खोलेंगे, सही खोलो इसकी, 3 × 9 और 1 10/3 गुणा, जब इसको लेंगे 0.3 को दशमलव के नाम से एक और पीछे जितने हैं उतनी जीरो लगा के यहां से कट जाएगा। अब ये 3 × 3, 3 × 3, 10 × 10, 10 × 10 गुणा करो 1/1, हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। प्रश्न नंबर यदि हम 10 की बात करें, 1.1 प्रश्न आ लेते हैं, तो लिखिए ऐसी प्रमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं था, हमने देखा था पीछे, आपको पता है, आप दोबारा वीडियो देख के इसको लिख सकते हैं। प्रमेय संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है, जो अपने व्युत्क्रम के समान है, दो प्रमेय संख्याएं मैंने आपको पहले ही बताई है, पीछे देख लीजिए, पीछे का मतलब उत्तर में नहीं है, पीछे का मतलब है यहां बोर्ड पे जो वीडियो आपको करवाई गई है, वीडियो में आपको करवाया गया है। प्रमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, मतलब जोड़ में भी वही है और नेगेटिव में भी वही है, तो वो देखनी है प्रमेय संख्या, बताई है शून्य का व्युत्क्रम होता है, नहीं होता, नहीं है। संख्याएं खालिस्तान था खालिस्तान समय के व्युत्क्रम है, कौन सी दो संख्याएं बताई जो समय के व्युत्क्रम है, वो करनी है। -5 का व्युत्क्रम -5 का व्युत्क्रम -5 का व्युत्क्रम -5/1 लेंगे तो इसका व्युत्क्रम हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको करके देखें, 1/-5 आ जाएगा, या -1/5 आ जाएगा, या -1/5 आ जाएगा। 1/x का व्युत्क्रम, अब उसने देखो क्वेश्चन में दिया है 1/x का व्युत्क्रम, एक्स लिख रखा है कि एक्स कभी भी 0 के बराबर नहीं है, तो 1/x को उल्टा करके लिखेंगे x/1, और किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही संख्या आता है, तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, x हो गया। दो प्रमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, दो प्रमेय संख्याओं को आप गुणा करके देखें, उनका गुणनफल हमेशा प्रमेय संख्या ही आएगा। किसी धनात्मक प्रमेय संख्या का व्युत्क्रम, अब व्युत्क्रम में मैंने बताया धनात्मक बोला है उसने तो उसमें निशान नहीं बदलेगा, धनात्मक प्रमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा धनात्मक प्रमेय संख्या ही होगा, और ऋणात्मक प्रमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा ऋणात्मक प्रमेय संख्या ही होगा। तो आपके पास इस प्रश्नावली से संबंधित अब दूसरा चौथा
छठा आठवां नौवां दसवां और ग्यारहवां प्रश्न हो गए हैं जो आप कॉपी पे करके अभी मुझे दिखाएंगे।